व्यूअर्स, आप सब लोग यकीनन जानते होंगे कि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जिसपे आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहें वो आपको मिल जाती है। लेकिन पिछले दिनों एक नया सर्च इंजन आ गया, या एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल आया 30 नवंबर 2022 को, जिसे चैट जीपीटी कहा गया, और गूगल भी इससे खौफजदा है। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो गूगल को बहुत पीछे छोड़ देगा। तो उसकी क्या वजह है इसमें, और गूगल में क्या फर्क होता है, चैट जीपीटी के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, और पाकिस्तान के में इसके इस्तेमाल होने में, इसके आम होने में और इससे फायदा हासिल करने में क्या रुकावट हो सकती है, इसके हवाले से ये मेरी वीडियो है, जिसमें आप एंड तक देखेंगे तो इन तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि गूगल और चैट जीपीटी में क्या फर्क है। इस फर्क को हम एक जोक से समझते हैं। एक साहब अपनी वाइफ को गूगल कह के बुलाते हैं, तो उनकी वाइफ भी बहुत ज्यादा खुश होती है रहती है इनको इस तरह से बुलाने पे। एक रोज वो पूछती है कि तुम मुझे गूगल क्यों कहते हो, वो कंफर्म करना चाह रही होती है कि क्या मैं बहुत ज्यादा जहीन हूं इस वजह से आप मुझको गूगल कहते हैं। तो वो साहब जवाब देते हैं, नहीं, मैं तुम्हें गूगल इस वजह से नहीं कहता, बल्कि इस वजह से कहता हूं कि तुमसे सवाल एक किया जाए और जवाब 10 देती हो, चाहे वो उससे रेलिवेंट हो या नहीं हो। इसी तरीके से गूगल पे जब आप कोई भी चीज टाइप करते हैं, तो उसके लिए लाजमी हो जाता है कि वो उसका रिजल्ट आपके सामने शो करे, चाहे वो उससे रेलिवेंट हो या नहीं हो। और इसी तरीके से बेतहाशा वेबसाइट सामने आ जाएंगी आपके। अब उन वेबसाइट में जो मैटर होगा वो किस हद तक ऑथेंटिक है, कौन सी चीज आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो डिसाइड करना आपका काम है। आप उस सब चीजों को स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद उसमें से सिलेक्ट करेंगे। मकसद ये हो गया कि उसके बाद भी आपका टाइम कंज्यूम उसमें होगा। तो ये मैं नहीं कह रहा कि गूगल या YouTube कोई बुरी चीज है, बल्कि इन्होंने जो है वो इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इजाफा किया, लोगों के लिए आसानियां पैदा की। लेकिन उससे भी अब एक मजीद बेहतर चीज, या एक स्टेप और हम आगे की तरफ गए हैं। तो वो क्या है, जब हम गूगल पे कोई चीज तलाश कर रहे होते हैं, कोई चीज हम समराइज कर रहे होते हैं, तो ये जहन में आता है कि ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग काम हुआ। तो इस सब मुश्किल को आसान किया चैट जीपीटी ने। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, ये मस्नूई जहानत का एक टूल है। मस्नूई जहानत से क्या मुराद हो गई, जिस तरह से कि आप किसी मसले का हल किसी मशीन से लें और मशीन आपको उसके हवाले से बताए, लेकिन वो ज्यादा ऑथेंटिक हो, पॉइंट टू पॉइंट हो, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो उतना ही आपको जवाब मिले, इररिलेवेंट जवाब ना मिले। अगर उसके पास जवाब ना हो तो वो उसके ऊपर सॉरी कर लेगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो इसे ये टेक्निक जो है वो चैट जीपीटी कहलाती है। इसके जो अभी यानी के जो टूल है या जो वर्जन है उसके में जो है वो चैट की शेप में है, इंक्वायरी बेस्ड चैट है, जिसमें आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं और नीचे जो है टाइप होता हुआ आपको उसका आंसर मिल जाता है। यह इसी तरीके से जैसे आप किसी शख्स से कोई भी चीज पूछ रहे हैं, इसमें जनरल के साथ साथ आप स्पेसिफिक मालूमात भी ले सकते हैं। स्पेसिफिक इस तरीके से कि आप किसी खास स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि उसको किस तरीके से ग्रो किया जा सकता है, किसी कानूनी मसले के बारे में जानना चाह रहे हैं, उस किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई स्टूडेंट है वो ये चाहता हो कि उससे कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो उसे जब वो चाहे कोई भी क्वेश्चन उससे हल करवा ले, कोई भी असाइनमेंट उससे बनवा ले, किसी कोई ऐसे उससे लिखवा ले, या कोई पोयम बनाने के लिए उससे कह दिया जाए। तो कोई भी चीज जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें और जितनी ज्यादा मिकदार में लेना चाहें, जितने वर्ड्स का जितने पैराग्राफ का आप बनाना चाहें वो आपको करके देगा। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो उसे दोबारा भी ये क्वेश्चन दे सकते हैं, वो उसको यानी कि आपको टाइप करके देगा, उसके बारे में बताएगा। और इसमें जो एक अहम चीज होगी वो ये कि गूगल से जब आप कोई चीज सर्च करते हैं तो वो आप कॉपी पेस्ट अगर करेंगे तो वो कॉपीराइट का मसला उसमें आएगा कि आपने कहीं से वो चीज ली, वो ओरिजिनल नहीं थी, जबकि चैट जीपीटी पे वो चीज ओरिजिनल होगी, क्योंकि ये जो जो इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पे है, दूसरी जगहों पे, वो तमाम इंफॉर्मेशन इसके पास है, उसको वो रीराइट करता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो उसी को आप किसी जगह पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और आप ये भी शो कर सकते हैं कि वो आपकी अपनी बनाई हुई चीज है। इखलाकी तौर पे तो ये बेहतर नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से करके आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इससे अर्निंग कर सकते हैं, और अपनी
जिंदगी के बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ये क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से तो स्टूडेंट की या किसी भी शख्स की जो है वो मेमोरी कम हो जाएगी, उसका सीखने का अमल कम हो जाएगा और सब लोग इसी पे डिपेंड कर रहे होंगे, उनकी अपनी जहानत का पता नहीं चल सकेगा। तो ऐसा नहीं है, असल में वजह यह है कि जितना आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से करेंगे, जितना आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकेंगे, वो आपकी जहानत को जाहिर करेगा और उसी लिहाज से आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो यूं समझ लीजिए कि इसकी जहानत आपकी जहानत की या आपके गुलाम होगी, ये आजाद नहीं होगी। और अगर किसी शख्स का आईक्यू लेवल कम है और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही बयान नहीं कर सकता तो उसको सही जवाब भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जितना ही उसकी क्वेश्चन में डेप्थ होगी, जितनी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, वो जवाब भी बेहतर हासिल कर सकेगा। इसी तरीके से ये भी एक सवाल आ सकता है कि इस तरीके से तो स्टूडेंट को कोई वो पढ़ने से दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज के दौर में या वैसे भी करिकुलम का मकसद यह होता है कि किसी भी शख्स में कुछ स्किल्स पैदा करना, लेकिन हमारे करिकुलम में या हमारे नजदीक किसी शख्स की जहानत का मायार क्या होता है कि उसने कितनी चीजें मेमोराइज की हुई है। मेमोराइजेशन मीन रट्टा लगाना। तो आज के दौर में रट्टा लगाने या याददाश्त की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रही जितनी इसकी अहमियत है कि आपका आईक्यू लेवल कितना बेहतर है। अगर आपको किसी की स्पेलिंग याद नहीं है तो वो तो आप गूगल से या कहीं से भी स्पेलिंग देख सकते हैं, किसी चीज के मीनिंग देख सकते हैं। किसी मेडिसिन के नाम याद करना वो जो है कमाल की बात नहीं है, बल्कि ये है कि डायग्नोस करना कमाल की बात होती है। तो इसी तरीके से आज के दौर की जो काबिलियतें हैं उसमें यह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपका आईक्यू लेवल हो गया, इसी तरीके से क्रिएटिविटी हो गई, जबकि मेमोरी जो है वो आपको इतनी जरूरी नहीं है, वो बुक से भी मिल जाएगी, बेतहाशा सोर्सेज हैं जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो लिहाजा इस टूल के आने के बाद भी आपकी वही स्किल्स पॉलिश होंगी, वो स्किल्स खत्म नहीं होंगी और वही आने वाले वक्त के चैलेंजेस को पूरा कर सकेंगी। इसी तरीके से ये यानी कि इसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे और आने वाले वक्त में दुनिया बदल जाएगी। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पाकिस्तान में इसके इस्तेमाल में रुकावट हो सकती है। वो क्या रुकावट होगी? वो रुकावट ये है कि हमारा कल्चर ये है कि हमें जो चीज आसानी से मिल जाए या मुफ्त में मिल जाए, हमें उसकी कदर नहीं होती या हम उसे यूज करना पसंद नहीं करते। तो इस टूल की भी सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये मुफ्त में मिल रहा है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो हो सकता है कि हमें ये पसंद ना हो और हम उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना कर सकें। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो है टेक्स्ट फॉर्म में है, जबकि हम लोग जो है वो टेक्स्ट से या पढ़ने से थोड़ा सा बोर जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इसका जो नेक्स्ट वर्जन होगा उसमें पिक्चर्स और उसके बाद वीडियोस में भी ये यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरीके से इसमें मुसलसल एवोल्यूशन ग्रो होने का अमल होता रहेगा और इसके जरिए से हम किसी भी प्रोफेशन में खुद को ग्रो कर सकते हैं और अपनी कोई भी चीज इससे पूछ सकते हैं।